हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाएगा और इसमें देश विदेश से करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मेले के लिए स्पेशल बसें भी चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के मेला क्षेत्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को सूर्य ग्रहण मेला 2019 के लिए किए जाने वाले सभी प्रबंधक के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। तो हमारे सारे टेंडर फाइनल हो चुके हैं, सीसीटीवी की व्यवस्था हो चुकी है और सारे मेला क्षेत्र को 20 सेक्टर में हमने बांट दिया है और हर एक सेक्टर की बैरिकेडिंग रहेगी और पूरी व्यवस्था कर ली गई है। वीआईपी घाट के लिए अलग से तैयारियां कर ली गई है और जितने भी व्हीकल जाएंगे उनकी प्लानिंग कर ली गई है और अलग अलग 22 हमने जो पार्किंग प्लेसेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ लोगों की ज़मीन भी हम रेंट पर लेंगे ताकि किसी भी बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सूर्य ग्रहण मेले के लिए हम लोग पुलिस जो है, पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। करीबन 5,000 पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी पे रहेंगे ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए और साथ साथ ब्रह्म सरोवर पर भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा स्वॉट टीम्स, कमांडो की टीम्स, माउंटेड आर्म पुलिस जो होती है, जो घुड़सवार जो पुलिस होती है उसकी भी डिप्लॉयमेंट रहेगी। इसके साथ साथ हम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और एंटी सैबोटाज चेकिंग की टीम्स भी हम बुलाएंगे जो कंटिन्यूसली जो पूरा क्षेत्र है ब्रह्म सरोवर का और जो सराउंडिंग एरिया है, पिलवा है, ज्योतिसर है, जहाँ पे हम लोग को लगता है कि पिलग्रिम्स जो हैं जा सकते हैं, वो सबकी कंटिन्यूस चेकिंग करेंगे। इसके अलावा सारी हर प्रकार की थ्रेट को चेक करने के लिए अभी से पुलिस की जो चेकिंग है वो हमने बढ़ा दी है। जो सारे लॉजेस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, सराय हैं, सबकी चेकिंग स्टार्ट कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की भी चेकिंग की जाएगी। ये सबकी सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए इस प्रकार की चेकिंग हम बढ़ा देंगे शहर में। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जाएगा। करीबन 225 सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे ब्रह्म सरोवर पर और इसके साथ साथ 8 ड्रोन कैमरास का भी प्रयोग किया जाएगा पूरे मेला क्षेत्र में। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ऐप के माध्यम से मेले से संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेला ग्राउंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था और डॉक्टरों की टीम को बुलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन गाड़ियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से न्यूज़ के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।